नौकरियों में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया के नियम बदलने का फैसला लिया। नए नियम के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थियों को फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग देने होंगे। अभी तक फॉर्म भरते वक्त सिर्फ साइन और फोटो लिए जाते थे, साथ ही फाइनल रिजल्ट से पहले ही शपथ पत्र जमा कराना होगा। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों से पहले शपथ देना जरूरी होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्स पर तहसीलदार या एसडीएम से साइन जरूरी है। आपको बता दें कि हाल ही में महिला सिपाही भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार ज्यादा अंक लेने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस आधार पर यही नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई करने पर एचएसएससी के चेयरमैन तक को जान से मारने की धमकी तक दी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम मनोहर लाल से की थी। इसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया के जो नियम बदल दिए गए हैं, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं करण खुराना न्यूज रूम से, सीधे हमारे साथ है। करण, नियमों में बदलाव से आप कितना फायदा देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में? परीक्षा किया गया था, उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया का फैसला अपने आप में बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है। कहीं ना कहीं नौकरी में फर्जीवाड़ा जो लगातार सामने आता है, उसके मद्देनजर जो हरियाणा सरकार ने ये बेहद ही बड़ा फैसला लिया है। अब भर्ती प्रक्रिया में जैसे लगातार घोटाले आ रहे थे, लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार थी, उसके बाद उसके तहत जो है हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। वही नियमों की बात करूं तो भर्ती प्रक्रिया में जो नए नियम आए, पहले जहां प्रतियोगी जो वो फॉर्म भरते थे उस दौरान जो है कहीं ना कहीं फोटो और साइन की जरूरत होती थी, लेकिन जो अब नए नियम आए उसके तहत अब फिंगरप्रिंट और जो है स्कैनिंग जरूरी होगी, फेस स्कैनिंग जरूरी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो धांधली होती थी, फर्जीवाड़े होते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर लूप होल थे, उस पर नकेल कसेगी। तो अपने आप में हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष, हमने देखा था पहले कई तरह के जो है फर्जीवाड़े हुए थे नौकरी को लेकर या भर्ती प्रक्रिया को लेकर, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था सरकार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है उन लूप होल को जो है खत्म करने का काम किया है और अपने आप में बच्चों को भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे जो पेपर किसी और का होता था, बैठते कोई और थे, ऐसे जो फर्जीवाड़े हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे और अपने आप में जिनमें टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेंगे और टैलेंट जो है कहीं ना कहीं निखर के आएगा और बच्चे भी इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश होंगे। नकल माफिया को रोकने में भी काफी सहायक, और इसी के लिए ये बनाया गया है। जिस तरह से निकल कर आ रही थी चीजें, जान से मारने तक की धमकी देने लगा था नकल माफिया, रोकने के लिए ये पूरी तरह से सहायक होने जा रहा है नया नियम। जैसे कि हम देख रहे थे कि लगातार भर्ती प्रक्रिया में घोटाले जो हो रहे थे, फर्जीवाड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं उन ऐसे जो नकल करवा रहे थे या जिसकी वजह से इस तरह के घोटाले होते, उन पे कहीं ना कहीं नकेल कसेगी। और हरियाणा सरकार की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने इन लूप होल को समझा, इस पर जो है पूरी तरीके से इन लूप होल्स को खत्म करने का काम किया है। इस जो फैसला लिया गया वो सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा था अभी बीते दिनों ही पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया था और अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं जो है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और जो है टैलेंट निखर के आएगा और अच्छा फैसला है और कहीं ना कहीं बच्चे भी खुश होंगे। बिल्कुल अच्छा फैसला है और बहुत ज्यादा जरूरी भी था इस तरह के नियम कायदे बनाए जाने को लेकर। सराहनीय कदम, सराहना होनी चाहिए यहाँ पर सरकार की। बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए, लेकिन बने रहिएगा, हम लौटेंगे एक बार फिर आपके पास। तो अभ्यर्थियों को देने होंगे फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग, ये आप जब फॉर्म भरेंगे उसी वक्त आपको देना होगा ताकि आपको लेकर सारे सबूत रहे। फाइनल रिजल्ट से पहले जमा कराने होंगे शपथ पत्र। किसी भी तरह की गुंजाइश अब हरियाणा सरकार ने नहीं छोड़ी है नकल माफिया के लिए कि वो अपनी पैठ वहां पर जमा सकते हैं, अपनी घुसपैठ वहां दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर गैजेटेड अफसरों के साइन जरूरी होंगे। आपको अपने इलाके में एसडीएम से हस्ताक्षर जरूर करवाना होगा। हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया के नियम अब बदल दिए गए हैं, ये खबर आपके लिए है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप रिमोट को साइड में रख दीजिए और खबर पर फोकस कीजिए। अभ्यर्थियों को अब फॉर्म भरने के वक्त ही
फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग दिए जाएंगे। पहले हस्ताक्षर लिए जाते थे और एक फोटो ले लिया जाता था, लेकिन अब इतने से काम नहीं बनेगा। फाइनल रिजल्ट से पहले आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा, अभ्यर्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट पे अपने इलाके में एसडीएम के हस्ताक्षर जरूरी हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पर गेजेटेड ऑफिसरों के हस्ताक्षर जरूरी है।